हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। ठीक है, ट्रिपल सी के आप लोग के इस पेपर सॉल्विंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रिपल सी के पेपर सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हमने 2 सेट पेपर सॉल्व किए हैं, जिसमें प्रत्येक सेट में 50-50 क्वेश्चन थे। हम लोग आज तीसरा सेट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 50 क्वेश्चन ही इसमें सेट में भी हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं क्या ट्रिपल सी के क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है जो लगातार सर्वर के मुख्य पृष्ठ पर शुरू होता है और सभी लिंक को स्टेप वाइज आगे भेजता है। ठीक है, मुख्य पृष्ठ पर देखिए क्या लिखा है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन, सर्च इंजन पर ध्यान देंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जो लगातार सर्वर के मुख्य पृष्ठ पर, मतलब मेन पेज पर शुरू होता है और सभी लिंक को स्टेप वाइज आगे भेजता है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला है ए स्पाइडर्स, बी पैकेट्स, सी कुकीज और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है बी पैकेट्स। ठीक है, पैकेट्स क्या है, पैकेट्स ऐसा सर्च इंजन है जो कि सर्वर के मुख्य पृष्ठ पर शुरू होता है और सभी लिंक को स्टेप वाइज आगे भेजता है। ठीक है, आंसर है बी पैकेट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है। साक्षरता मतलब एजुकेशन या उसके बारे में लिटरेसी होना। ठीक है, आइए ए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की क्षमता, बी यह जानकारी कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, सी कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली जानना और डी कंप्यूटर असेंबल करने की क्षमता। ठीक, तो इसका आंसर है बी। साक्षरता का क्या मिशन मतलब है, ये है कि हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अपने अनुपात को बदले बिना चार्ट के आकार को बदलने के लिए आपको कॉर्नर को किस की के साथ ड्रैग करना होता है। ठीक है, जैसे चार्ट आपका बना रहता है तो कॉर्नर मतलब कोने को आपको किस बटन के साथ क्या करना है, ड्रैग करना है कि वो आपका चार्ट एडजस्ट हो जाए या आकार बदल ले। ठीक है, आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शिफ्ट, बी ऑल्ट, सी कंट्रोल और डी F11। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं, ए शिफ्ट, बी ऑल्ट, सी कंट्रोल और डी F11। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या, सी कंट्रोल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से एक सेल में एक संख्या के रूप में इंटर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो एक संख्या के रूप में इंटर की जा सकती है, किस में, सेल में। ठीक है, आइए ए 1300.00, बी 5000.00, सी 1.1E+2। ठीक है, और चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, आप एक्सेल में ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विंडोज़ डिस्टिंग्विश, ठीक है, के नेमिंग कन्वेंशन के माध्यम से विभिन्न ड्राइव के बीच अंतर करता है। ठीक है, नाम के हिसाब से क्या कहता है, विभिन्न ड्राइव के बीच अंतर करता है। प्रत्येक ड्राइव के नाम में एक लेटर के बाद किसका सिंबल होता है। ठीक है, अब जितने भी ड्राइव होते हैं उसमें जो भी लेटर लिखा होता है उसके बाद कौन सा सिंबल होता है, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है कोलन, ठीक है, दूसरा क्या है, बी एस्ट्रिक्स, सी एक्सक्लेमेशन और डी सेमी कोलन। तो इसका सही आंसर है ए कोलन। तो जो भी लिखा होता है उसके बाद किसका होता है, कोलन का चिन्ह होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किसी भी स्लाइड्स पर आप कैसे साउंड फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। आप जब पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं तो उसमें किसी भी स्लाइड पर आप साउंड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। ए कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में इफेक्ट ऑप्शन को ओपन करें और स्लाइड की प्रत्येक संख्या के लिए साउंड को सेट करें, बी रिकॉर्ड साउंड फीचर का उपयोग करें, रिकॉर्ड बटन को प्रेस करें और जब आप स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे तो सेट किया हुआ म्यूजिक प्ले हो जाएगा, सी सीडी ऑडियो ट्रैक फीचर का उपयोग करके सेट की हुई सीडी प्ले हो जाती है, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में इफेक्ट ऑप्शन को ओपन करें और स्लाइड की प्रत्येक संख्या के लिए साउंड को सेट करें। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, अधिकांश न्यूज़ रीडर्स किस तरीके से न्यूज़ ग्रुप आर्टिकल को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो न्यूज़ रीडर होते हैं वो न्यूज़ ग्रुप आर्टिकल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ए मेल, बी कॉलम, सी थ्रेड या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से पढ़ता हूँ, ए मेल के द्वारा, बी कॉलम के द्वारा, सी थ्रेड्स के द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी थ्रेड्स के द्वारा। ठीक है, क्या है, सी थ्रेड्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट क्या है, हम किसके लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम किसके लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं, ए ऑप्शन ए हेडर्स, ऑप्शन बी फुटर्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के लिए या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों के लिए, हम हेडर और फुटर दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। निम्नलिखित एक स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऐसा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। ए वाइप ऑल ओवर, बी डिजॉल्व, सी बिट बाय बिट या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको पावर पॉइंट में मिल जाएगा, कौन सा, वाइप ऑल ओवर, बी डिजॉल्व और सी बिट बाय बिट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी डिजॉल्व। डिजॉल्व आपका क्या है, एक ट्रांजिशन इफेक्ट है और बाकी जो चीज़ें लिखी हैं ये आपका एनिमेशन इफेक्ट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है, टूल बार के जस्टिफिकेशन बटन का क्या कार्य होता है। ठीक है, टूल बार के जस्टिफिकेशन बटन का क्या कार्य होता है, ए जस्टिफिकेशन विकल्प की एक ड्रॉप डाउन सूची को डिस्प्ले करना, बी टेक्स्ट ए को अलाइन करने के लिए फोर ऑप्शन को डिस्प्ले करना, सी जस्टिफिकेशन डायलॉग बॉक्स ओपन करना या डी प्रेजेंट लाइन को सेंटर में करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, क्या, टेक्स्ट ए को ऑनलाइन करने के लिए फोर ऑप्शन को डिस्प्ले करना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या अमेजॉन डॉट कॉम के लिए लागू होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या अमेजॉन डॉट कॉम के लिए लागू होता है, ए यह एक शिक्षा संबंधी वेबसाइट है, बी यह अमेजॉन जंगल की ऑफिशियल वेबसाइट है, सी यह एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सभी लोग ऑनलाइन भाई परचेजिंग करते ही होंगे, तो आपने अमेज़ॉन पे भी गए होंगे, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या है, सी यह एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि आप एक ब्रॉडकास्ट बनाना चाहते हैं जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है तो आप क्या क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप ऐसा ब्रॉडकास्ट बना रहे हैं जो इंटरनेट से डाउनलोड हो जाता है तो उसके लिए आप क्या क्रिएट करेंगे, ऑप्शन ए आई ब्रॉडकास्ट, बी ऑप्शन बी इशॉय, ऑप्शन सी पॉडकास्ट, ऑप्शन डी ई कास्ट। ठीक है, क्या है, ऑप्शन ए आई ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन बी इशॉय, ठीक है ई शो, ऑप्शन सी पॉडकास्ट या ऑप्शन डी आई कास्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आप एक पॉडकास्ट बनाएंगे। ठीक है, किस लिए, ताकि आप एक ब्रॉडकास्ट बना सके जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सके। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक्सेल में यदि आप पेज सेट के डायलॉग बॉक्स के शीट टैब के प्रॉपर्टी शीट पर ग्रिड लाइन और ड्राफ्ट क्वालिटी चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं करते ही तो क्या होता है। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 कहा एक्सेल में यदि आप पेज सेट के डायलॉग बॉक्स के शीट टैब के प्रॉपर्टी शीट पर ग्रिड लाइन और ड्राफ्ट क्वालिटी चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ए ग्रिड लाइन प्रिंट होगी, बी ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी, सी कभी कभी प्रिंट या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जैसे ही आप ग्रिड लाइन पे करेंगे ना ये के ग्रिड लाइन पे तो क्या हो जाएगा, ए आंसर है ए ग्रिड लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको व्यू में मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है,
सेल में इज इक्वल टू राउंड 2.15, 1 करने पर क्या डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें फॉर्मूले में लिखा है कि क्वेश्चन क्या लिखा है, सेल में इज इक्वल टू राउंड, फिर ब्रैकेट ओपन है, 2.15, 1 करने पर क्या डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, ए 2, बी 2.1, सी 2.2 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका सी 2.2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2.2, क्योंकि ये जो 1.5 है ना, ये 5 है, तो ये इसको 2 कर देगा 1 को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक्सेल में कई विशेषताएं हैं जो इस एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम को बहुत शक्तिशाली बनाती है। एक्सेल का उपयोग करने के लिए इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं है। ठीक है, हमारा मेन फोकस किसको होना चाहिए, नहीं पे। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है। ए फिल्टरिंग सॉर्टिंग जैसे डेटाबेस फंक्शन, बी संख्याओं और सूत्रों के स्वचालित गणना, सी चैट क्षमता या डी डेस्कटॉप प्रकाशन क्षमता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, डी डेस्कटॉप प्रकाशन क्षमता। ये क्या है, ये एक्सेल की विशेषता नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ISP है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ISP है। ए कंप्यू सर्वर, बी AOL, सी नेट जीरो या डी MSN। ठीक है, ए कंप्यू सर्व, बी AOL, सी नेट जीरो या डी MSN। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर है सी नेट जीरो। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको सब चीज़ समझ में आ रही है, और प्रैक्टिस करिए आप लोग, सब लोग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यदि आप कंप्यूटर चालू है, ठीक है, यदि आपका कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट का जवाब नहीं दे रहा है, तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आपका चालू है और सिस्टम रीसेट का जवाब नहीं दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, आइए देखते हैं। ए डेड, बी ऑफ, सी हैंग या डी इनसेंसिटिव। ठीक है, तो अब देखिए, डेड डेड नहीं कह सकते क्योंकि मरा नहीं है, बी ऑफ बंद हमने किया नहीं क्योंकि यहीं पे है, कंप्यूटर चालू है। ठीक है, और डी इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव सिर्फ इंसान होते हैं, सिस्टम या नॉन लिविंग थिंग नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, सी हैंग, कंप्यूटर आपका हैंग कर गया है, ऑन भले है पर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंटरनेट में उपयोग किया जाता है क्या चीज़। ए सर्किट स्विचिंग, बी पैकेट स्विचिंग, सी हाइब्रिड स्विचिंग या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इंटरनेट में क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी पैकेट स्विचिंग। ठीक है, क्या है सही आंसर, बी पैकेट स्विचिंग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से MCI और AT&T का उदाहरण कौन सा है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से MCI और AT&T का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। ए सोशल नेटवर्किंग, बी कम्युनिकेशन सिस्टम, सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या डी मोबिसोडस। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या है आपका, सोशल नेटवर्किंग, बी कम्युनिकेशन सिस्टम, सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या डी मोबिसोडस। इसका सही आंसर है बी कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका सही आंसर क्या है, सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका सही आंसर है आपका सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक सेल A5 में फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक सेल A5 में फॉर्मूला का क्या मतलब होता है। रिलेटेड, ए रिलेटेड सेल डिफरेंस, बी मिक्स्ड सेल डिफरेंस, सी एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका सी एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। क्या है, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर सी। ठीक है, 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। स्लाइड नंबर पर जाने के लिए क्या प्रेस करना होगा। स्लाइड में जो नंबर है उस पर जाने के लिए क्या प्रेस करना होगा। ए स्लाइड नंबर प्लस इंटर,
बी पेजअप, सी बोथ ए एंड बी, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ए, स्लाइड नंबर प्लस इंटर। अगर आप स्लाइड नंबर प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, स्लाइड नंबर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है। ठीक है, ए न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, बी आप फाइल मेनू कमांड का प्रयोग करेंगे, सी ए और बी दोनों करेंगे, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या है, ए न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, बी आप फाइल मेनू कमांड का प्रयोग करेंगे, सी ए और बी दोनों, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। क्या है आंसर इसका, ए और बी दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है, एक्सेल में ऑटो फॉर्मेटेड कमांड का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑटो फॉर्मेटेड एक कमांड है, उसका क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन ए आपका डेटा प्रोफाइल तरीके से नजर आए। ठीक है, आपका डेटा क्या है, आपका डेटा प्रोफेशनल तरीके से नजर आए। बी स्टैंडर्ड टेबल फॉर्मेट में इंक्लूड शेडिंग, बॉर्डर, फॉन्ट कलर और अन्य फॉर्मेटिंग ऑप्शन। सी वर्कबुक में आसानी से एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट अप्लाई करें। ठीक है, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य ये तीनों ऑप्शन होता है। पहला, आपका डेटा प्रोफेशनल तरीके से नजर आए, स्टैंडर्ड टेबल फॉर्मेट में इंक्लूड शेडिंग, बॉर्डर, फॉन्ट कलर और अन्य फॉर्मेटिंग ऑप्शन, और तीसरा वर्कबुक में आसानी से एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट अप्लाई करें। तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है, ऑटो फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में सीपीयू इंफॉर्मेशन को पढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, सेकेंडरी मेमोरी में सीपीयू इंफॉर्मेशन को पढ़ता है। कैसे पढ़ता है देखते हैं, ए डायरेक्टली पढ़ता है, बी पहले मेन मेमोरी में भेजता है फिर वहाँ से सीपीयू पढ़ता है, सी रजिस्टर के द्वारा। ठीक है, सी रजिस्टर के द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, 24 का सही आंसर है बी, पहले मेन मेमोरी में भेजता है फिर वहाँ से सीपीयू पढ़ता है। ठीक है, जो भी डेटा हम देते हैं उसको पहले मेन मेमोरी में भेजा जाता है फिर वहाँ से उसको क्या करता है, सीपीयू उसको पढ़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है, सिलेक्टेड सेंटेंस को डिलीट करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया है सेंटेंस को, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट किए तो अब डिलीट करने के लिए कौन सी की आप प्रेस करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 25 का आंसर क्या है, ए डेल, बी बैक स्पेस, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। आप बैक स्पेस करेंगे तब भी हट जाएगा सेलेक्टेड, और आप डिलीट का बटन दबाएंगे तब भी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आप वर्ड में एक टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, आप एमएस वर्ड में कैसे एक टेम्पलेट बनाएंगे, ए मौजूदा डॉक्यूमेंट के आधार पर, जो डॉक्यूमेंट दिया है उसके आधार पर, बी मौजूदा टेम्पलेट के आधार पर, जो टेम्पलेट दिया है उसके आधार पर, स्क्रैच से, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 सी, ईमेल। अब ईमेल क्या है 27 का आंसर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संबंधित मेल। ठीक है, बी एक ऐसा संचार जिसमें मैसेज लेटर से द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, सी कंप्यूटर के अंदर संदेशों का नेटवर्क के द्वारा लेन देन करना, या डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। ऊपर के सभी ऑप्शन आपके क्या हैं, ईमेल हैं। ठीक है, ऊपर के सभी जो भी क्वेश्चन हैं मतलब ऑप्शन दिए हैं ये सब क्या है, ये सब मिलके एक ईमेल बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, जब आप सेल में इज इक्वल टू MOD मोड -3, 2 इंटर करते हैं तो क्या डिस्प्ले होगा। ठीक है, जब आप किसी सेल में ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या डिस्प्ले होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन में -1, B1,
सी -1.5 या डी 0। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी 1। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 1। वो -3 में से 2 को माइनस करेगा, -1 आएगा, और मोड उसको निगेटिव से पॉजिटिव नंबर में बदल देगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29। एक स्लाइड का ऐसा एरिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? एक स्लाइड का ऐसा एरिया जो टेक्स्ट को होल्ड करता है और जो प्रेजेंटेशन के समय आउटलाइन में दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, एक स्लाइड का ऐसा एरिया जो टेक्स्ट को होल्ड करता है और जो प्रेजेंटेशन के समय आउटलाइन में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? ए टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, क्या कहते हैं? ए टेक्स्ट बॉक्स, बी प्लेस होल्डर, सी बुलेट पॉइंट या डी टाइटल बॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? बी प्लेस होल्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है बी प्लेस होल्डर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है? ठीक है, एक सीपीयू होता है कंप्यूटर में जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, तो उसमें कंट्रोल यूनिट एक यूनिट होती है, उसका क्या काम होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ए प्रोग्राम के इंटरकनेक्शन को डिकोड करना, प्राइमरी, बी प्राइमरी स्टोरेज में डेटा को ट्रांसफर करना, सी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना या डी प्रोग्राम के इंटरकनेक्शन को स्टोर करना। तो इसका सही आंसर है ए प्रोग्राम के इंटरकनेक्शन को डिकोड करना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? ठीक है, इसमें से कौन सा प्रेजेंटेशन आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देखते हैं। ए एम एस विंडो, बी एम एस पावर पॉइंट, सी एम एस एक्सेल या डी एम एस वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट क्या है? आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इससे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वेबसाइट का पहला पेज जो आप नॉर्मल व्यू में देखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ए होम पेज, बी मास्टर पेज, सी फर्स्ट पेज या डी बैनर पेज। ठीक है, वेबसाइट का वो पेज जो आप पहले सबसे पहले ओपन होने पे आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए होम पेज। ठीक है, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो पहला पेज खुल के आता है ना, उसको क्या कहते हैं? होम पेज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 33। जब इंटरनेट डेटा आपके कंप्यूटर में डेटा को छोड़ देता है, तो यह सामान्य रूप से अपने गंतव्य की ओर बढ़ने से पहले कहाँ पर जाता है? ठीक है, जब इंटरनेट डेटा, जब आप इंटरनेट चलाते हैं, डेटा आपके कंप्यूटर में डेटा को छोड़ देता है, तो सामान्य रूप से अपने गंतव्य की ओर बढ़ने से पहले ये कहाँ जाता है? ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ए इंटरनेट बैकबोन, बी नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, सी बेस स्टेशन या डी कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका सही आंसर है बी नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। ठीक है, कहाँ जाता है? नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पे, अपने डेस्टिनेशन में जाने से पहले वो कहाँ जाता है? नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पे। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34, GUI का उपयोग किन दो इंटरफेस के बीच में होता है? ठीक है, कंप्यूटर में दो इंटरफेस होते हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं किस में यूज़ होता है, कौन से दो इंटरफेस में। ठीक है, इंटरफेस बहुत होते हैं, या दो मान लीजिए, दो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो इंटरफेस की बात की गई है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बी मेन एंड मशीन, ठीक है, सी सॉफ्टवेयर एंड यूज़र और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर से ऑप्शन पढ़ देता हूँ। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दो इंटरफेस ये हो गए, मैन एंड मशीन एक ये समझ लीजिए दो हो गए, सी सॉफ्टवेयर एंड यूज़र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का सी सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। ठीक है, सी सॉफ्टवेयर एंड यूज़र आपका क्या हो गया? ये दो इंटरफेस के बीच में GUI काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 35। MS वर्ल्ड में लाइन स्पेसिंग को चेंज करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, MS वर्ल्ड में लाइन स्पेसिंग को चेंज करने के लिए
पहला स्टेप क्या होता है? ए फॉर्मेट मेनू को ओपन करना, बी लाइन स्पेसिंग बटन पर क्लिक करना, सी उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना जिसे चेंज करना चाहते हैं, या डी पैराग्राफ मेनू ओपन करना। तो इसका सही आंसर है सी। आपको जिस भी पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं क्या होता है भाई। यदि आप एक ऐसे ऑनलाइन समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं जो एक शिक्षा से संबंधित वेबसाइट तैयार करता है जो इसके सदस्यों को अपनी जानकारी बदलने के लिए या उसमें जानकारी अपडेट करने की अनुमति देता है, तो आपको निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट की आवश्यकता होगी? ठीक है, अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे टीचिंग का काम होता है, ठीक है, और इसके सदस्य जानकारी भी आदान प्रदान करें, तो आपको कैसी वेबसाइट बनाने की आवश्यकता है? ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। ए education.edu, बी सोशल नेटवर्क, सी विक्की और डी web 2.0। तो इसका सही आंसर है सी विक्की। ठीक है, एक विकिपीडिया आप लोग सुनेंगे जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विकिपीडिया वही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक स्पेसिफिक यूज़र प्रोसेसिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से निर्देश देता है, उस सॉफ्टवेयर के निर्देश को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक स्पेसिफिक यूज़र प्रोसेसिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से निर्देश देता है, उस सॉफ्टवेयर के निर्देश को क्या कहा जाता है? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी डॉक्यूमेंटेशन या डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है? डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर क्या है? डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 और सॉरी 38। आप अपने दोस्त के साथ रियल टाइम में बात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, आप अपने दोस्त से रियल टाइम मतलब सेम टाइम पे बात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ए ईमेल, बी इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, ए ईमेल, बी इंस्टेंट मैसेजिंग, सी यूजनेट या डी ब्लॉग। इसका सही आंसर है बी इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब तुरंत मैसेज का आदान प्रदान। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या है। जब कंप्यूटर से रिपोर्ट का प्रिंट निकलता है तब उस आउटपुट को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब कंप्यूटर से रिपोर्ट का प्रिंट निकलता है तब उस आउटपुट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। ए कॉम, बी सॉफ्ट कॉपी, सी हार्ड कॉपी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी वो कॉपी होती है जो आपके कंप्यूटर में सेव रहती है, ठीक है, और जब प्रिंट निकलता है तो उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है और प्रोग्राम को एक्सक्यूट करता है उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? ठीक है, अब ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है और प्रोग्राम को या हमारे रिजल्ट को दे देता है उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? ए सिस्टम प्रोग्राम, बी मशीन लैंग्वेज, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है मशीन लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है और हमारे रिजल्ट को या प्रोग्राम को देता है हमें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप वर्ल्ड में मार्जिन को किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं? अगर आपको वर्ल्ड में मार्जिन चेंज करनी है तो आप किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं? आइए देखते हैं। ए पेज सेटअप का प्रयोग करके, बी रूलर का प्रयोग करके, सी ए और बी दोनों का या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों। आप पेज सेटअप से और रूलर से दोनों से आप क्या कर सकते हैं? मार्जिन को सेट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या है। GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला गार्बेज इन गार्बेज आउट, दूसरा गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट, सी गीगाबाइट इन गीगाबाइट आउट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है ए गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका सही आंसर क्या है?
एक गार्बेज इन गार्बेज आउट। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इंटरनेट किसके द्वारा शासित किया जाता है? ठीक है, इंटरनेट किसके द्वारा शासित किया जाता है? इसका सही आंसर देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए W3C, मतलब W3 का मतलब WWWC, तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। ठीक है, बी IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, सी इंटरनेट NIC इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 43 का ए WWWC। ठीक है, W3C इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कॉलम का चयन करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? ठीक है, कॉलम का चयन करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? ए कॉलम के सेल में डबल क्लिक करने पर, बी कॉलम के टॉप सेल से कॉलम में लास्ट सेल तक ड्रैग करें, ठीक है, सी कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें, और डी कंट्रोल ए करें। इसका सही आंसर है सी कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें। क्या है आंसर? कॉलम हेडिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस सबसे कॉमन है और उसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है? ठीक है, कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कॉमन है और उसका यूज़ सब जगह होता है, मैक्सिमम वो कंपलसरी? ठीक है, ए मदरबोर्ड, बी सिस्टम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या डी कीबोर्ड। तो इस ऑप्शन को आप लोग पढ़ के समझ ही गए होंगे कि डी कीबोर्ड ऐसी क्या है, ऐसा कॉमन इनपुट डिवाइस है जो हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर एक विशिष्ट वेब पेज की पहचान करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर एक विशिष्ट वेब पेज की पहचान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ऑप्शन ए वेबसाइट, बी वेबसाइट एड्रेस, सी URL, या डी डोमेन नेम। तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है सी URL। URL आपके क्या करता है, एक विशिष्ट वेब पेज की पहचान कराता है। URL एक एड्रेस होता है जिससे आप अलग अलग वेब पेज खोल सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जब डेटा इंटरनेट पर प्रमुख कनेक्शन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब इंटरनेट के इस कनेक्शन को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब डेटा इंटरनेट पर प्रमुख कनेक्शन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब इंटरनेट के इस कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो देखते हैं, ए पाथवे, बी बैकबोन, ठीक है, सी कम्युनिकेशन सिस्टम, या डी राउटर। इसका सही आंसर है बी बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बी बैकबोन। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार का टेली कम्युनिकेशन हार्डवेयर आपको वेब तक पहुंचने की अनुमति देता है? ठीक है, कौन सा ऐसा टेली कम्युनिकेशन का हार्डवेयर है जो आपको वेब तक पहुंचने की अनुमति देता है? देखते हैं, ए ब्राउज़र, बी मॉडम, सी FTP प्रोटोकॉल, और डी IRD। ठीक है, इसका सही आंसर है बी मॉडम। मॉडम के उपयोग से आप नेट कनेक्ट करके और इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वेब पेज खोल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी ब्राउज़र, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या डी इंटरनेट टूल। तो इसका सही आंसर है बी ब्राउज़र। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ब्राउज़र। जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, आपका फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ये सब क्या है, आपके ब्राउज़र हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। F12 की को प्रेस करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? ठीक है, F12 की को प्रेस करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? देखते हैं, ए सेव एज डायलॉग बॉक्स, बी ओपन डायलॉग बॉक्स, सी सेव डायलॉग बॉक्स, या डी क्लोज डायलॉग बॉक्स। इसका सही आंसर है ए सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जब आप F12 की प्रेस करते हैं। ठीक है, आज का सेट 50 क्वेश्चन का हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगले फिर हम 50 क्वेश्चन का सेट एक उठाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।